शुक्रवार को राजधानी भोपाल में आयोजित तीन दिवसीय नगर निगम प्रॉपर्टी एक्सपो का समापन हो गया। समापन अवसर पर खजुराहो से सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी, मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह सहित एमआईसी मेंबर जगदीश यादव, रविन्द्र यति, मनोज राठौर सहित कई पार्षद मौजूद रहे। समापन अवसर पर महापौर मालती राय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि तीन दिन के प्रॉपर्टी एक्सपो में बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे और 5000 से ज्यादा लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि देश में नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया यह पहला प्रॉपर्टी एक्सपो काफी सफल रहा। इससे नागरिकों को प्रॉपर्टी खरीदने में और नगर निगम को भी लाभ होगा। निश्चित ही भोपाल में पहली बार ये देश में भोपाल नगर निगम ने अनोखा काम किया है कि भोपाल नगर निगम की जो प्रॉपर्टी थी उसका तीन दिन का एक्सपो लगाया और भोपाल की जनता को यह अवगत कराया कि भोपाल नगर निगम मात्र सड़क बनाना, नाली बनाना और स्वच्छता करना ही काम नहीं है। भोपाल नगर निगम लोगों को छत बनाकर भी देता है, जो कि हर व्यक्ति का सपना रहता है कि मेरी खुद की अपनी छत हो, तो निश्चित ही भोपाल नगर निगम छत भी बनाकर देता है। भोपाल नगर निगम रोजगार के लिए दुकानें भी बनाकर देता है कि हमारा हर व्यक्ति रोजगार पैदा कर सके। और नगर निगम इस एक्सपो में सफल हुई, लगभग यहाँ जिनका पंजीयन हुआ है 5000 से ज्यादा लोगों ने पंजीयन करवाया है। प्राइम लोकेशन उन्होंने देखी है, हर काउंटर पर आकर जिसको जो साइट पसंद आई है वहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और कुछ लोगों ने तो आकर बुक भी किया है। हमने साइट भी उनको देखने भेजा है, साइट देखकर भी लोग खुश हुए हैं और हमारी हर साइट का एक बार कोड डला हुआ है। लोग पंपलेट लेकर गया है और पंपलेट से उन्होंने पूरा सर्च भी किया है और निश्चित ही जब नगर निगम के टेंडर निकलेंगे तो हम उनको सफलता के पूर्वक हम उनको मकान और दुकान उनकी चॉइस के हिसाब से नगर निगम प्रक्रिया के तहत दे सकेंगे।